सर्दियों के मौसम में टेम्परेचर गिरने से हार्ट से जुड़ी कई प्रॉब्लम्स बढ़ सकती है, इसलिए इस मौसम में हार्ट पेशेंट्स को अपने हार्ट का खास ख्याल रखना चाहिए। डॉक्टरों का कहना है कि ठंड में जरा सी लापरवाही बड़ी और गंभीर प्रॉब्लम का कारण बन सकती है। हार्ट स्पेशलिस्ट का कहना है कि हार्ट से जुड़ी किसी भी तरह की बीमारी या ऐसे पेशेंट जिनके हार्ट में ब्लॉकेज है, उन्हें इस मौसम में ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं तो उसके समय में बदलाव करना चाहिए ताकि किसी तरह की परेशानी ना बढ़े। हेल्थ एक्सपर्ट सलाह देते हैं कि हार्ट के पेशेंट्स को एकदम सुबह मॉर्निंग वॉक पर जाने से पूरी तरह बचना चाहिए। अगर वे सुबह पैदल घूमने निकलना चाहते हैं तो हल्की धूप निकलने के बाद ही वॉक पर निकले, क्योंकि कोरोना के बाद हार्ट अटैक का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। बड़ी संख्या में इसके केस सामने आए हैं तो इसका खास ध्यान रखना चाहिए। कोविड-19 के पहले 40 साल से ज्यादा उम्र वालों के हार्ट अटैक का खतरा होता था, लेकिन अब 20 से 30 साल के युवा भी इसके चपेट में आ रहे हैं। डॉक्टर्स हार्ट की हेल्थ को लेकर किसी तरह की लापरवाही ना करने की सलाह देते हैं, हर समय सतर्क रहने को कहते हैं। डॉक्टरों का कहना है कि अगर पैदल चलने या एक्सरसाइज करते समय सांस फूलने जैसी प्रॉब्लम, छाती में दर्द या भारीपन की शिकायत होती है तो तत्काल मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए। जंक फूड के सेवन से कई तरह की प्रॉब्लम्स भी बढ़ती है, इसकी वजह से बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत तेजी से इंक्रीज होती है, इससे हार्ट से जुड़ी बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। इसलिए हेल्थ एक्सपर्ट हार्ट की सेहत को दुरुस्त रखने के लिए जंक फूड से बचने की सलाह देते हैं, खासकर सर्दियों में इसे पूरी तरह से अवॉइड करना चाहिए। वहीं स्ट्रेस से बचने और रूटीन को बेहतर बनाने पर फोकस कर बीमारी को ठीक कर सकते हैं।